Hey everyone, welcome back to my new vlog. और आज हम आए हैं आप लोग घर रिजोर्ट में, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। और इसके अंदर ना, इसकी सबसे अच्छी बात, इसके अंदर तीन पार्क है, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और एक्टिविटी पार्क। और जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया और पार्किंग यहाँ की फ्री है। तो ये है इसका बाहर से व्यू, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, देखो। और पार्किंग के लिए काफी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो इधर सामने है ना, ये है अम्यूजमेंट पार्क, ये है वाटर पार्क और ये है रिसेप्शन। तो पहले हम रिसेप्शन पे जा रहे हैं टिकट लेने। अच्छा, वीकडेज और वीकेंड का अलग अलग चार्ज होते हैं। ओके, थैंक यू। टिकट लेने के बाद हमें ये बैंड मिला है और इसकी टाइमिंग है यहाँ पे लिखी हुई है 9:30 से 7 बजे तक। और बाकी इसके अगर सारी एक्टिविटीज़ और पैकेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये है यहाँ का, देखो, फुल डे अनलिमिटेड फूड है, जो कि 11:00 से 6:00 बजे तक है। और ये आप इसमें देख लेना, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी, ये सब इसके अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह इंक्लूड है। और अगर टिकट की बात करूँ तो टिकट एडल्ट्स की वीकडेज़ में 1600 रुपये है और वीकेंड्स में 300 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब कि 1800 रुपये है। और किड्स के वीकडेज़ में 1300 रुपये और वीकेंड्स में 1500 रुपये है। बाकी अभी हम एक एक करके ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो चलो अभी जल्दी से पहले चलते हैं अंदर। तो अभी हम एंट्री करने के लिए अपना बैंड बंधवा रहे हैं और बैंड हमें बंद चुका है और अभी हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करते ही सबसे पहले है यहाँ का ये वाटर पार्क, और वाटर पार्क का देखो व्यू कुछ ऐसा है, जिसमें ये एक फैमिली पूल है, छोटे मोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स है और बड़ों के लिए उधर 2 स्लाइड्स और भी है, सब अवेलेबल है। और जहाँ पे मतलब आपको 300 रुपये पहले देने होंगे, बाद में 150 रुपये डिपॉजिट, मतलब 150 रुपये वापस मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स भी आप रेंट पे ले सकते हो वाटर पार्क के लिए, और ये सब इनका रेट लिखा है, आपको 300 रुपये देने होंगे, 150 रुपये आपको बाद में मतलब रिफंड मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे अंदर आके यहाँ पे स्नैक्स है, स्नैक्स में सबसे पहले मतलब वेलकम ड्रिंक एज ए, यहाँ पे 3 चीज़ है, नींबू पानी, जलजीरा और आम पन्ना, और यहाँ पे शुगर कैंडी, चुस्की और पॉपकॉर्न। और ये सीजन के हिसाब से आम पन्ना को चूज करके और आम पन्ना ही डाल रहे हैं सबसे पहले, थोड़ा सा ही चेक करके देख लो। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ही डाला है पहले चेक करने के लिए। जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है सच में, दोबारा ले लो। के बाद ये हमने लिए पॉपकॉर्न, सबसे अच्छी लगी ये, छोटे छोटे में डाल के सही है, इससे ना खाना वेस्ट नहीं होगा। और एक चुस्की जो कि हमने अभी बनवा रखी है आने वाली है, और ये हमारी चुस्की भी तैयार हो गई है। खाने वाली जगह पे तुम्हारी मुंह जा जाती है। यस, वाओ, ये कितनी सुंदर लग रही है। वाटर पार्क के बाद यहाँ है एम्यूजमेंट पार्क की एंट्री। तो अभी सबसे पहले हम एम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं और एम्यूजमेंट पार्क को कवर करेंगे। तो ये है इसकी एंट्री और यहाँ से मैं कर रही हूँ एंट्री। और एम्यूजमेंट पार्क अंदर से काफी सुंदर लग रहा है देखने में, वाओ, देखो देखो, इधर ना बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, और सामने भी काफी झूले चल रहे हैं, पोएट्री मेकर, मेहंदी और एस्ट्रोलॉजर भी है। तो सबसे अलग और फनी चीज दिखी है, और जो मैंने सिर्फ सुनी है, मैंने आज तक वो किया नहीं है, ये अपनो घर भूल भुलैया, भूलने का मजा। तो ये कह रहे हैं कि रहन दे, बाद में कर लियो, तो ताकि बाद में गुम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले ही जाऊंगी इसमें। मैं सबसे पहली जो मैंने चीज सेलेक्ट की है ना, वो यही है, और अब मैं इसी में जा रही हूँ। और ये मैं इसके अंदर एंट्री कर चुकी हूँ एंड आई डोंट नो अब क्या होगा आगे। बंद हो गया उधर, तो चलो इधर से चलो। निकल गए, बंद मिलेगा ना तो दीवार कूद के चल पड़ेंगे। निकल गए, देख लो ये निकल गई, यहाँ से दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, अरे यहाँ का एग्जिट है, निकल गई मैं भूल भुलैया पूरा करके, निकली सा भूल भुलैया। ये इधर भूल भुलैया के सामने ही यहाँ पे स्नैक्स एरिया है, स्नैक्स देख के मेरे को भूख लगाई है, तो चलो अभी जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ स्नैक्स में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले मुझे सामने दिख रहे हैं गोलगप्पे एंड आलू टिक्की, तो एक गोलगप्पा ट्राई करूंगी पहले। तो कैसा लगे? और अब उसके बाद मैं ये आलू टिक्की ट्राई करने वाली हूँ, ये और ट्राई करके इसका टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। हमारी टिक्की बहुत अच्छी लग रही है, सारी चीज़ इसके ऊपर डाल रखी है, मस्त है, मजा आ गया। और खाने पीने की जगह पर मेरी तो मौज हो जाती है। अभी हमें एक ये वाली राइड दिख रही है, जो मुझे सबसे अलग और नई लग रही है, जो मैंने अभी तक किसी पार्क वार्क में देखी नहीं है,
और इस पे ना एक साइकिल सी मिलती है, वो खुद से चला के और ऐसे पूरे राउंड राउंड घूमना होता है। आ जाओ मेरी साइकिल पे बिठा लूंगी। देखो ये है इसमें पैडल और ये पैडल खुद से मार मार के और ये सामने इस ट्रैक पे चलानी है। सीट बेल्ट लगा ली है, चलाओ। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है हमारे वजन की वजह से, ये मेरी वजन की वजह से ना ये जोक मार रहे हैं। मेरे को डर भी लग रहा है, इधर बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है। अलग सा एक्सपीरियंस है एक सच में, मतलब ऐसी मैंने कभी अभी तक नहीं देखी थी। और ये रहा यहाँ का वाटर पार्क। अच्छी राइड और एक नई सी राइड है, जरूर करो अगर आप आ रहे हो तो, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त। डिंग डिंग। तो गाइस अब सीधी बात बता दूं, एक बज गया है, एक से थोड़ा ऊपर ही टाइम हो गया है और इनका जो लंच टाइम है वो सिर्फ 1.5 घंटे का, 1 बजे से 2:30 बजे तक। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के एक्टिविटीज को पेंडिंग रख के और सबसे पहले जा रही हूँ लंच करने। और जल्दी से चलो मैं आपको भी लंच में दिखाती हूँ क्या क्या ऑप्शन है और क्या चीज़ कैसी है, चल रही। तो यार ये सामने यहाँ का लंच का एरिया है, तो मैं आपको लंच में पहले ऑप्शंस दिखाती हूँ। यहाँ पे है बूंदी रायता, स्टीम राइस, दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, चटपटे आलू है, वेज नूडल्स, ये यहाँ पे है नान और ये है खीर बादाम वाली। यहाँ पे पापड़ है, अचार है, सीजनल सैलेड्स है। तो अभी हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। देखो मैंने सारी चीज ले ली है, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, रायता और सैलेड, नूडल्स, नान, अचार, खीर और पानी। और अभी मैं इनको जल्दी से फिनिश करने वाली हूँ, खा पी के फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ कैसी है। जल्दी से कपड़े चेंज करके सबसे पहले हम इस स्कूल में एंट्री करने वाले हैं और छोटी से बड़ी स्लाइड्स की तरफ जाने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटी स्लाइड्स से। तो यार अभी मैं कपड़े चेंज करके और वाटर मैं सबसे पहले इन छोटी वाली स्लाइड्स में जा रही हूँ। और अभी हमारी दो स्लाइड्स बचती है, वो दोनों और हम जल्दी से कवर करके चलते हैं एम्यूजमेंट पार्क की तरफ। ओ वाह, क्या काला बादल देखियो। सबसे अच्छी बात बताएं, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ का, देखो कितना काला बादल हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब कि आज की उसमें ना 4 चांद लग गए। हवा चल रही है, चलो लेट जाओ। लेट जा लेट जा। चेंज की इतने में अच्छी तड़ातड़ वाली बारिश आ गई। तो गाइस
अभी हम बैठे हैं स्नैक्स वाली जगह पे। ये स्नैक्स एरिया है और जो स्नैक्स की टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से शाम को, वो सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक है। और बाहर हो रही है बारिश तो अभी हम कोई एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते, इसलिए अभी हम स्नैक्स मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सामने बारिश हो रही है और यहाँ पे चाय पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग है। थोड़ा बहुत कुछ खा के इतने बारिश भी रुक जाएगी, फिर हम ये जो बाकी की एक्टिविटीज़ जो हमारी बची है और जितने भी झूले वगैरह बचे हैं वो सब करेंगे। तो यार यहाँ पे स्नैक्स पे और देखो ये ऑप्शन है, जलजीरा, नींबू पानी और ये है आम पन्ना, कढ़ी पकौड़ा शायद इसमें, ये कढ़ी है, कढ़ी मतलब पकौड़े वाली कढ़ी है, पकौड़ा है, सुंदर लग रहे हैं देखने में, सैलेड और उसके अलावा जो की रोटी हो रहा है इसके ना आम पन्ना का बहम पड़ गया। देखो वहाँ तीन आम पन्ना पिए, एक और ले, इतने नहीं पीने होते आम पन्ना, इतना नहीं पीना होता, बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे, इतना भी नहीं है मतलब तुम्हें ही ज्यादा लग रहा है। तो गाइस अभी मैं झूलने वाली हूँ इस झूले में और इसका नाम है सुपर ट्रूपर। तो चलो अभी जल्दी से इस झूले को एंजॉय करते हैं। और कोई भी नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, हम दोनों अकेले ही इसमें झूलेंगे। और दूसरी बात, बारिश आने के बाद अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, तो मतलब कि ना दुगने मज़े हो गए हैं यहाँ पे। तो चलो अभी जल्दी से झूल। भैया सारे झूले वर्किंग है, सारे झूले चल रहे हैं, शुरू हो गया ये। तो कितनी ऊपर तक जाता है इन बिल्डिंग। हम भी चलते हैं इसके अंदर, बैठते हैं, देखते हैं ये क्या बोला है।
वाह जी वाह, मजे की सवारी, शान की सवारी। किसी को डर लग गया, वो बाहर निकल गई। ये क्या हो गया, डर लग रहा है क्या लोगों को? भाई इसमें डर के लोग पहले ही बीच बीच में उतर रहे हैं। बस मुझे थोड़ा फोन का डर रहता है, तो यहाँ से रुका हूँ। ओहो, प्रिया भी उतर ली बीच में, डर के चली गई नीचे। ये वाला यहाँ का सबसे खतरनाक लगा भाई। ऐसा लगता है भैया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, मजा आता है ना। बहुत बढ़िया चीज, अगर आपने ठीक से पकड़ा हुआ है ना, जान लगा के, जान लगा के पकड़ा हुआ है, पुश किया हुआ है ना पैरों से, कुछ भी नहीं होगा। मजे आते हैं ना, बहुत मजा आता है। बस पूरा टाइम हाथों रोटेट तो होता, वही तो मजा है। हाँ, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? डर लगा ना क्या? तो यार ये पहली अब तक की ऐसी राइड है जो मैंने स्किप की है और जो मेरे से नहीं हुई, मेरे को बहुत डर लगा यार। इसमें ऐसे पूरा उल्टा हो गई थी मैं इसको बीच में चिल्ला के, और मैंने इसको बीच में रुका दिया और उतर गई मैं और एक दीदी और थी। बाकी कई लोग तो इसको दोबारा दोबारा कर रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। बैग उठाओ, बैग आगे रखो। वाले झूले पे चलें? चलो बीच में बैठ जाओ। के लिए एक दो चीज मेरी पेंडिंग में बची हुई है, तो अभी वो ट्राई करती हूँ जाके। अरे वाह, कितनी नन्नी नन्नी प्यारी सी है। तो ये देखो, हमने अभी यहाँ पे ना जो की रोटी और कढ़ी ली है, और देख कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रोटी है। नमक कम है, ले आई। पता है स्नैक्स में ना ये कुल्फी भी अवेलेबल है। तो अभी हम थोड़ी पेट पूजा करके, और अभी एक और झूला बचा है जिसका नाम है फ्लाइंग डिश। ये वाला है पूरा ऐसे राउंड राउंड ऊपर नीचे डुक 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 घूमता है, तो अभी मैं इसमें जा रही हूँ। सब कुछ तो कवर कर लिया, लेकिन प्यारी प्यारी कुछ चीज़ें रह रही है जिनको मैं आपसे भी दिखाना चाहूँगी और खुद भी देखना चाहूँगी। और वो है यहाँ पे कुछ बर्ड्स और रैबिट, पिग वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, तो वो दिखाती हूँ आपको। व्हाइट वाले के ऊपर कितने सारे हैं, इनके घर भी बना रखे हैं और इनको दाना भी रख रखा है। देख इनके घर कितने प्यारे लग रहे हैं, एक एक में एक एक बैठे हैं। अंडे भी दे रखे हैं कईयों ने। हुए ना पिक, क्या होता है भाई ये छोटे छोटे? ये तो छोटे छोटे सुअर हैं। सुअर नहीं है ये, सुअर ही है ये, छोटे छोटे अलग तरह के है। लेकिन हाँ, पर कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके आगे घास डाल रखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इनके भी घर बना रखे। हेलो, कितने प्यारे हो, देखो छोटा सा उनका बच्चा भी है। अच्छा, इन्होंने खुद अपनी खुद की ना अपनी गुर खोद रखी है रहने के लिए। देखो सबने पानी भी रख रखा, एक जो सबसे बड़े जो कहीं बैठा है, लड़ाई कर रखी है उसने इन सबसे। हे शंटो, ओ बर्ड्स,
देखियो कितने प्यारे हैं, इनके लिए खाना दाना भी रख रखे। लव बर्ड्स, इनके रहने की जगह भी देखो गड़े। अभी मैं बैठी हुई हूँ अपनी छुक छुक वाली ट्रेन में, वेस्टर्न ट्रेन में, और ये अभी चलने वाली है। तो अभी हमारा ये एक और झूला बचा है जिसका नाम है फ्लाइंग बोब। तो अभी हम फ्लाइंग बोब पे जा रहे हैं, जल्दी आओ। दिमाग ना घुमाओ है, चिल। भाई साहब इसमें तो सारा खून एक तरफ भगा दिया शरीर को। घूमना सिर को मारा लाग में दिमाग एक साइड आ गया। वैसे तो यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतने में ना अगर एक ही एक्टिविटी दो दो बार करते हैं ना तो इतना कुछ कवर नहीं हो पाता है। अब भी ये बहुत सारे यहाँ पे ना पूरे इसमें झूले और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने को, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। और वैसे भी थोड़ी बच्चों टाइप की लगती है तो हमें मतलब करने का मन नहीं है अभी। एक लास्ट एक वो और बची है वाटर मैरी गो राउंड, उसमें जा रहे हैं। ये वाली कुछ एक्टिविटीज भी है, मैं एक ट्राई करती हूँ। ये वाली और करूँ? करो करो। और ये यहाँ पे ना कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी इन्होंने बना रखे हैं, जैसे कि घोड़ा है, उधर ट्रैक्टर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो यार अभी हम यहाँ की सारी राइड्स कर चुके हैं और लगभग ये धीरे धीरे बंद होने लग रहा है, मतलब इनका जो खाना पीना जो भी स्नैक्स और लंच वगैरह का सब बंद हो चुका है। और 7 बजे की इसकी टाइमिंग है और 7 बजने वाले हैं, अभी ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अभी हम एग्ज़िट की तरफ ही है, ये वाटर पार्क के बाहर से ही इसका एग्ज़िट है। और सच बताऊँ तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर राइड्स और बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, खाना भी बहुत टेस्टी था और खाने में काफ़ी चीज़ इंक्लूड थी। तो अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। तो यार यहाँ की मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगी कि ये जो है ना अपना घर, ये फैमिली और कपल के हिसाब से बनाया गया है, यहाँ पे स्टैग एंट्री नहीं है। अगर 3-4 लड़के या मतलब मेल जो भी आ रहे हैं तो उनके साथ एक फीमेल ज़रूरी है, ये इन्होंने ना अपने पैकेज में मेंशन भी किया है। मतलब अकेले लड़के की यहाँ पे एंट्री नहीं है, बाकी फैमिली और कपल के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको मौका मिलता है विजिट करने का तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको काफ़ी मज़े आने वाले हैं। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।